हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो आज हम एक ऐसे ही बेकार पड़े लकड़ी के टुकड़े से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मधुबनी आर्ट ट्रे बना रहे हैं, जिसमें यहाँ पे मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा यूज़ किया और फिर उसको मैंने सैंड पेपर से थोड़ा स्मूथ उसके एजेस और जो भी मेरा ये टुकड़ा था उसके एजेस को स्मूथ किया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सैंड पेपर यूज़ करने के बाद ये एजेस और ये इसका पूरा लुक कितना स्मूथ हो गया है। उस पर जो कलर आएगा वो बहुत ही इवन आएगा। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक वाइट एक्रेलिक पेंट से इसका एक बेस दिया, तो मैंने इवनली पूरे टुकड़े पर, इस वुड के टुकड़े पर, इस कलर को अप्लाई किया इवनली हर जगह, साइड्स पे, कॉर्नर्स पे, और फिर इसको ड्राई करने के लिए छोड़ दिया। और ड्राई होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था। अब इसके बाद मुझे ट्रे का कलर ऑरेंज चाहिए था, तो ऑरेंज कलर से इस पूरे जो मेरा वाइट बेस था उसको मैंने ऑरेंज कलर से कवर किया, सारे एजेस को, सारे कॉर्नर्स को कवर किया और फिर इसको भी ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। और ड्राई होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसके बाद मेरे को जो भी मेरा डिज़ायर्ड मोटिव था वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने मोटिव लिया वो अगेन मैंने मधुबनी आर्ट से इंस्पिरेशन लेके एक मोटिव यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो दो फिश मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो पेंसिल से आप जो भी आपकी डिज़ायर्ड फिगर है उसको आप ड्रॉ कर लीजिए। ये मेरा कुछ आर्टवर्क कुछ इस तरीके से था जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। और इसके बाद जो यहाँ पर फ्लावर्स थे उसमें मैं कलर कर रहा हूँ। मैं बहुत ही मिनिमम कलर्स का यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ओनली मैजेंटा और पिंक कलर मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ये फ्लावर्स कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं पेंट होने के बाद। अब यहाँ पे जो लीव्स हैं उसमें मैं थोड़ा सा ग्रीन का टच दे रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से जो भी मेरे यहाँ पे लीव्स थे उसको कलर किया। और ये सब होने के बाद ब्लैक कलर से मैं पूरा जो मेरा आर्टवर्क है इसकी आउटलाइन करूँगा। और स्क्रिबलिंग टेक्निक से मैंने सोचा है ये फिश को मैं करूँगा, तो ओनली लाइंस का यूज़ यहाँ पे ज़्यादा है, ब्लैक कलर को मैं मेजरली यूज़ कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने फ़िश को और जो भी मेरे फ्लावर्स और लीव्स थे उसको कम्प्लीट किया। और ये कुछ इस तरीके से मेरा ये एंड रिज़ल्ट आया है। मेजरली यहाँ पे मैंने ब्लैक का यूज़ किया हुआ है। और जो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में इस बोर्ड पे कुछ ब्लू से पेंट के मार्क्स थे, तो उनको मैंने इस तरीके से हाईलाइट किया है कि वो बबल्स लग रहे हैं। तो अब बारी थी इस ट्रे में हैंडल फिक्स करने की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कील से यहाँ पे होल किए दोनों साइड पे कुछ इस तरीके से, और फिर यहाँ पे मैंने हैंडल को स्क्रू की मदद से यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो दोनों साइड हमने हैंडल लगा दिया है जिससे कि वो ट्रे को पकड़ने के लिए हमारे लिए इजी हो जाएगा और पूरी हमारी लुक कंप्लीट हो रही थी। तो ये इस तरीके से हो गया। फिर उसके बाद मैंने वुड वार्निश को इसके ऊपर लगाया है जिससे कि हमारा पेंट ख़राब ना हो और कुछ भी स्टेन्स हो तो वो ईज़िली निकल जाएँ, और वो कलर को प्रोटेक्ट भी करता है और एक नई शाइन लाता है उसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर इस पूरे को कवर किया है, मेरे आर्टवर्क को, मेरी ट्रे को, और ये मेरा एंड रिज़ल्ट है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।